मैनेजमेंट ऑफ डीएनएस। यस दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था 7 साइड इफेक्ट ऑफ डीएनएस। डीएनएस का क्या मैनेजमेंट है दोस्तों? जैसे हमें पता है डीएनएस दैट मींस एक नोज की प्रॉब्लम होती है जिसका फुल फॉर्म है डेविटेड नेजल सेप्टम, एंड हमारे नाक के अंदर जो हमारे बीच का जो पार्टीशन है वो एक तरफ डेविटेड होता है जिसको हम डीएनएस बोलते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले तो उसमें क्या है कि उसका क्या ट्रीटमेंट है। सो जब डीएनएस का कोई पेशेंट दोस्तों हमारे पास आता है तो हम एक बड़ा सिंपल एक सीटी स्कैन पीएनएस एक कराया जाता है, एंड उस पीएनएस के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि पहले हमारा कितना अमाउंट डीएनएस है, हमारा आगे का डीएनएस है, हमारा पीछे का डीएनएस है, या हमें नीचे डीएनएस है, या सिंपल डीएनएस है, या कॉम्प्लेक्स डीएनएस है। दोस्तों ये डिफरेंट प्रकार के डीएनएस जो होते हैं वो हमें सीटी स्कैन के माध्यम से पता लग जाता है। ये भी पता लग जाता है इस डीएनएस के कारण और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है पेशेंट को, साइनस की समस्या तो नहीं है। सो सबसे पहले उसका एक डायग्नोसिस बना जाता है। दोस्तों सिंपल अगर डीएनएस होता है तो उसमें एक एंडोस्कोपी एक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है। दोस्तों एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की बात करते हैं तो ये जो सर्जरी है दोस्तों वो आप ये मानिए करीब 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इस डीएनएस की सर्जरी में दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, क्या मेरा पूरा सेप्टम ही निकाल देते हैं? ये बड़े लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा आपने सेप्टम निकाल दिया तो मेरा नाक तो बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। डीएनएस का मतलब जो हमारा पार्टीशन है जो नोज का, उसमें जो डेविएटेड पार्ट है उस डेविएटेड पार्ट को दोस्तों एक्सिस जो पार्ट है उसको हमें रिमूव कर दिया जाता है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट को मिड लाइन में सेटल डाउन कर दिया जाता है, और दोनों तरफ हमारे नाक के अंदर जो नेजल वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं, हमें बराबर ब्रीदिंग आती है, हमारी जो नेजल कैविटी है उसके अंदर दोनों तरफ से हमें बराबर ब्रीदिंग आती है। आपका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है आर्मी एयरफोर्स, वहाँ पर आपको क्या फिटनेस में डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता कोई। ये सारे सिंपल डीएनएस को एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जाता है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स डीएनएस और होता है। वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सिंपल डीएनएस में तो क्या, अगर आप बाहर से दिखते हो तो डीएनएस इतना नहीं दिखता, बट कॉम्प्लेक्स डीएनएस में दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो नाक की हड्डी है ये एक तरफ आई हुई है, एंड हमारे नोस्ट्रिल जो है अनइक्वल है। हम अगर फोटो लेते हैं तो दोनों नोस्ट्रिल हमारे अनइक्वल होते हैं, वो होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स डीएनएस। कॉम्प्लेक्स डीएनएस दोस्तों उसका ट्रीटमेंट भी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी होता है, तो उसमें जो आगे का जो पार्ट जो बाहर निकला हुआ है उसको एक कंप्लीट स्ट्रिप मेथड होता है, जिसको आइडियली हमारा जो बाहर की तरफ है उस नाक के कोलोमेला पार्ट के पीछे कर दिया जाता है। उससे हमारा नाक का टिप का सपोर्ट भी बच जाता है, हमें सांस का रास्ता भी खुल जाता है, हमें हमारे नोज के दोनों नोस्ट्रिल है वो भी बराबर हो जाते हैं। हमारा कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है दोस्तों तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो ये है कॉम्प्लेक्स डीएनएस का मैनेजमेंट। अब दोस्तों इसमें ये जो सिंपल और ये जो कॉम्प्लेक्स डीएनएस का मैनेजमेंट है, इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये एंडोस्कोपिक होता है। बाहर से इसमें कोई चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एंड अब बात ये आती है कि एक दिन आपको दोस्तों एडमिट रखा जाता है, एंड उसके दूसरे दिन बाद पैकिंग निकाल के फिर उसको आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, एंड करीब करीब हम ऑपरेशन के करीब 12 से 15 दिन बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन की लाइक भी आप हो सकते हो, एंड ऑपरेशन के बाद में आपकी नाक की शेप चेंज नहीं होती है, नाक की शेप वैसे ही रहती है। यस, लेकिन अगर आपका जो है त्रुटिपूर्ण या किसी अच्छी टेक्निक से नहीं हुआ है, आपका सेप्टम ज़्यादा निकाल दिया गया है, तो दोस्तों बहुत बार सेप्टोप्लास्टी जो कराए हुए पेशेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं जिनका प्रॉपर टेक्निक से कई बार नहीं होता, सो दोस्तों ये आगे का नोज यूँ ड्रूपी हो जाता है, एंड यहाँ पे कई बार क्या है नोज के बीच में डिप्रेशन हो जाता है जिससे सेडल नोज डिफॉर्मिटी भी बन जाती है। सो ये कई बार क्या है त्रुटिपूर्ण टेक्निक के कारण पॉसिबल हो जाता है, जो इसलिए हमें जब सर्जरी कराते हैं तो बड़े ध्यान से सर्जन का चुनाव करके अच्छा जो बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन है उससे हमें काम कराना चाहिए जिससे हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए। सो दोस्तों ये है मैनेजमेंट ऑफ डीएनएस
जिससे हम हमारे जो डीएनएस के जो साइड इफेक्ट हैं उसको हम बच सकते हैं। दोस्तों जाते जाते नक्स नाइनोप्लास्टी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।